का रेप्लिका।
विश्व गुरु के रूप में जानती थी, इसी भारत वर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कहीं संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। वे कहते हैं सूर्य की पहली किरण
ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात शाम अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और समुद्र को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते, लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते, सूर्य देव पुनः प्रकट होते और शाम के पूछने पर बतलाते कि दूर पश्चिम में शाक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते। शाम शाक्य देश की ओर निकल पड़ते जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव माँ को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवरी सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे वे अपने सहयोगी बीसु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए, आदमी को डाला उसमें डाले गए नहीं पता डाला सारे टूट गए। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है तुम तो शिवरी सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवरी सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया समझे शिवरी सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 1200 मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा धन रथ में समय का चक्र बताया। दूसरी तरफ
तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। Thank you.
स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते और श्री सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन शिवेरी सांतरा कहते, राज तिथि तो अच्छी लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवेरी सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है।